सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मूथ गाइडेंस में। अगर आप लोग भी सीपीओ की 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आने वाला हमारे पास एक महीना है, ऑलमोस्ट एक महीना है हमारे पास, तो इसमें हम किस तरीके की इफेक्टिव स्टडी करें। इफेक्टिव स्टडी से मेरा क्या मतलब है? इफेक्टिव स्टडी से मेरा मतलब है कि हम कम टाइम में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, एक अच्छी स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए इस कम में हमें ज़्यादा स्कोर करने के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। जैसा कि हमारे पास सिर्फ एक महीना है तो हम अब कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, अब जो हमें पढ़ा हुआ है उसी की हम रिविजन करेंगे, उसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको करना क्या है, डेली 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाना है मैथ्स का, उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है, फिर देखना है आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। आपको टॉपिक क्लियर तो है बट उसके क्वेश्चंस कुछ हैं जो आप उसमें अटक जाते हैं, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, उसके प्रीवियस ईयर जितने भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको उन सब की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जितने रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चन की, उस टॉपिक की जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है या जिसमें आप अटक जाते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आपको क्या करना है, मैथ्स का कोई भी टॉपिक जो आपको क्लियर तो है बट आप जब उसके क्वेश्चंस करने जाते हैं तो अटक जाते हैं, आपको करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं उसके, आप वो सर्च करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गई मैथ्स की बात। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। उस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपको उसका भी एनालिसिस करना है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है कि रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है अभी भी जिसके कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले जाके आप उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि रीजनिंग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है। आप कोई भी टॉपिक करेंगे वो 1 से 2 घंटे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, मिसिंग नंबर और आपके जो नंबर सीरीज होती है उनको छोड़ के कोई भी टॉपिक है जो अभी तक आपका क्लियर नहीं है, पहले उस टॉपिक को आप लोग क्लियर कीजिए। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको मिसिंग नंबर और जो आपके नंबर सीरीज हैं, ये तो आप डेली जो प्रैक्टिस करेंगे आपका उसी में ही सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। आपको रीजनिंग में सिर्फ इतना ही करना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का सीपीओ में बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बट अभी हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ टीयर वन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत ही पास में है। तो टीयर वन के हिसाब से मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एसएससी का जो एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है। 80 से 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं, तो क्यों ना हम लोग प्रीवियस ईयर पे एक अपनी अच्छी सी पकड़ बना ले, जिससे कि हम 80 से 90% जो पेपर है वो हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रामर पे। ग्रामर की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि स्पॉट द एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हो गया, इन सब की आपको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। 10-10 क्वेश्चंस, 20-20 क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, कौन सी प्रीवियस ईयर बुक आपके लिए अच्छी है, तो मैं आपको अपनी तरफ से पिनेकल की ये बुक है, पिनेकल की बुक जो है ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज करती हूँ। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोगों के ग्रामर रूल्स ही अभी जो है वो क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं है, तो आप पहले जाकर अपने ग्रामर रूल्स कंप्लीट कीजिए। अब इस कम टाइम में आप ग्रामर रूल्स कहाँ से कर सकते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप वो वीडियो देखिए और आपको 100+ रूल्स हैं वो रिवाइज करवाए गए हैं उसमें, तो आपके ग्रामर रूल्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे वोकैब की। वोकैब ऐसा पोर्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि इतनी सारी वोकैब्स हम लोग कैसे याद करें। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक महीना है तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब एसएससी, अगेन एसएससी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट करता है। 80 से 90% जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी कि वोकैब भी 80 से 90% रिपीट होती है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी प्रीवियस ईयर जो वोकैब है पूछी गई है वो सारी आपको अपनी जो है वो रिवाइज करनी है, वो पढ़नी है, वो अच्छे से कर लेनी है। उसके अलावा आपको अभी एक महीने में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिनेकल की बुक बताई है, अगेन इस बुक में प्रीवियस ईयर जितनी भी वोकैब पूछी गई है सारी इसमें दी गई है। आप अपनी वोकैब जो है इसमें से कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में आपको इफेक्टिव ही पढ़ना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर वोकैब ही कीजिए, अब अलग से कोई वोकैब मत कीजिए। ये तो हमने बात कर ली इंग्लिश की, अब हम बात करेंगे जीके की। जीके में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला
एसएससी जो है वो अपना 80 से 90% जो पेपर है वो रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस के, जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता है अवार्ड्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, हिस्ट्री से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, आईएनसी के सेशंस हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो अगर बोलोगे कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी। ये सारे टॉपिक्स आपको अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। डेली एक एक दो दो टॉपिक लीजिए, दो दो टॉपिक ले लीजिए और उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। सो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको डेली हर पोर्शन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी आप लोगों को अपना रूटीन खुद सेट करना है कि मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ना है। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आई होप आपके लिए मेरी जो वीडियो है वो यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।